आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है N2 गैस और 3H2 गैस उपरोक्त अभिक्रिया में कुछ मात्रा अक्रिय गैस की मिलाने पर स्थिर दाब पर साम्यवस्था किस तरफ स्थानांतरित होगी। पहला है LHS बाईं ओर, RHS दाईं ओर, किसी ओर नहीं, किसी भी ओर। रिएक्शन दिया गया है N2 प्लस 3H2। ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बनाता है 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पे इनर्ट गैस अगर डालते हैं, क्या डालते हैं हम लोग? अक्रिय गैस डालते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस में कौन कौन सा आते हैं? तो हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, मतलब कि HENEARXE ARXE RN, ये छह है, ये अक्रिय गैस के श्रेणी में आते हैं। तो अक्रिय गैस को मिलाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा बोला जाता है ली चार्टलियर प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि उनके सिद्धांत पे बताया गया था कि स्थिर दाब पर निष्क्रिय गैस को मिलाने पर साम्य स्थानांतरित हो जाता है, जहां पे मोलों की संख्या अधिक होती है, जहां पे अधिक मोल होगा उसी की तरफ स्थानांतरित होगा इस रिएक्शन में। तो इस तरफ में कितने मोल है? तो एक नाइट्रोजन के और तीन हाइड्रोजन के, कुल चार मोल है इधर, और दूसरी तरफ में देखोगे तो दो मोल है इधर। तो हमारा जो साम स्थानांतरित होगा वो किस तरफ में होगा? अधिक मोल इस तरफ में है तो इस तरफ में स्थानांतरित होगा। तो मतलब कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा LHS की तरफ, मतलब कि हम लोग के बाईं ओर स्थानांतरित होगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन A। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।